नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों मैं पीआर मीना आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान फ़ायदे का सौदा के ऊपर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी कृषि यंत्र होते हैं उनसे संबंधित वीडियो लेके आते हैं, और आज इसी क्रम में हम आप लोगों के लिए लेके आए एक गाड़ी का वीडियो, जो महिंद्रा की मेजर गाड़ी है उसका वीडियो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएँगे ये कौन सा मॉडल ये गाड़ी है, कहाँ पर मिलेगी, कहाँ के नंबरों में है, इन तमाम बातों की जानकारी आज के वीडियो में हम लेके आए हैं। तो वीडियो पे आगे चलने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की। तो साथियों, आपकी स्क्रीन पर जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है, इस गाड़ी का जो मॉडल है वो आप लोगों को मैं बता दूँ तो 2008 मॉडल ये गाड़ी है। 2008 मॉडल ये गाड़ी रहने वाली है, और ये गाड़ी काफ़ी साफ़ सुथरी और काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। यहाँ पर आप गाड़ी की कंडीशन भी देख सकते हैं, आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी गाड़ी में कहीं पे टूट फाट नहीं है, ना कहीं पे गलावट है, एकदम साफ़ सुथरी और बढ़िया फर्स्ट क्लास गाड़ी है, आपको नज़र आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी की रिम वगैरह और गाड़ी के टायर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, कितने टायर है और कैसी रिम है। इसमें टायर मैं आप लोगों को पास से भी दिखाऊंगा, इसके थोड़ा जूम करके और पास से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया गाड़ी है, कहीं पे गलावट वगैरह है नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये राजस्थान नंबरों में आपको ये गाड़ी मिलेगी, और ये कहाँ के नंबरों में मिलेगी इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आगे जानकारी में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसकी कीमत क्या है, कहाँ पर ये गाड़ी मिलेगी। अब साथियों आप देख सकते हैं गाड़ी को सामने से देखने पे आप पाएंगे कि इसका बोनेट वगैरह है, जिस पे कलर देख सकते हैं आप, कलर भी कितना बढ़िया और कितना साफ़ सुथरा कलर है, ना तो कहीं पे गड़ावट है, ना कहीं पे कोई इसी तरह की कोई टूट फाट है, वेल्डिंग वगैरह नहीं है, एकदम साफ़ सुथरी गाड़ी है, कपड़ा कहीं पर फटा हुआ नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास। गिलास देख सकते हैं आप साइड में, जो साइड में गिलास लगे हुए हैं, दोनों गिलास यहाँ पर लगे हुए हैं और काफ़ी बढ़िया गिलास इसमें लगाए गए हैं गाड़ी में। यहाँ पे ऊपर करने पे भी आप देख सकते हैं सामने वाली लाइट है, कहीं पे टूट फाट नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस लाइट को देख सकते हैं, यहाँ पे इस लाइट को देख सकते हैं, मतलब कहीं पे एक रुपये का खर्चा नहीं है। जैसा किसान भाई ने हमें जानकारी दी है कि गाड़ी के अंदर एक रुपये की लागत नहीं है। अगर कोई भाई किसान इस गाड़ी को ख़रीदना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाना, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। अब मैं आप लोगों को इस गाड़ी को अंदर से दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे गाड़ी को देख सकते हैं अंदर से देखने पे आप पाएंगे कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो किस तरीके का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी की जो सुई लगी हुई होती है, जिसे हम मीटर वगैरह बोलते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही स्टेयरिंग देख सकते हैं गाड़ी की, स्टेयरिंग वगैरह, ऊपर का गिलास यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीट कवर भी देख सकते हैं, नीचे से छत वगैरह भी देख सकते हैं, जो नीचे वाली फ्रश होती है, ये सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको इसका सीट कवर और दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ड्राइवर और कनेक्टर की सीट है, उस सीट का कवर यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह की सीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ड्राइवर की सीट है उसका कवर थोड़ा फटा हुआ है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा साथियों, लेकिन इस तरह की कोई समस्या नहीं है, ये तो छोटी मोटी बात है, होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप इसकी जो नीचे वाली फ्रश है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको पीछे से इसकी जो सीट है वो दिखाता हूँ, साथ ही आप लोगों को ऊपर की जो छत है इसकी वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे वाली सीट और सीट कवर भी देख सकते हैं पीछे वाले, तो आपको यहाँ पे पीछे वाली सीट भी नज़र आ रही होगी और पीछे वाली सीट कवर वगैरह यहाँ पे सब कुछ नज़र आ रहा होगा। पीछे जो पर्दा लगा हुआ होता है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब काफ़ी बढ़िया और साफ़ सुथरी ये गाड़ी है। यहाँ पे आप ऊपर से भी देख सकते हैं गाड़ी की जो छत है वो ऊपर से देखने पे आप पाएंगे कपड़ा कितना बढ़िया है और कहीं पे फटा उगला नहीं है, एकदम साफ़ सुथरा है। और यहाँ पर ये लाइट लगी हुई है, आपको यहाँ पर ये लाइट इसकी नज़र आ रही होगी। अब साथियों हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी का जो टायर है उसके बारे में कि टायर कैसा है। और तो यहाँ पे आप इसके टायर देख सकते हैं, आगे वाले टायर हैं और कितने टायर हैं ये आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि गाड़ी में जो आगे वाले टायर है वो नए लगाए हुए हैं, पीछे वाले टायर भी इसमें काफ़ी है, कहीं ऐसे पुराने है नहीं। और अधिक जानकारी के लिए आप किसान भाई से संपर्क करें। किसान भाई से संपर्क करने के लिए आप सोच रहे होंगे नंबर तो आपने बताया नहीं, तो नंबर बता देता हूं आपको, उनके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अतः डिस्क्रिप्शन कहाँ है ये सोच रहे होंगे अब आप, तो डिस्क्रिप्शन यहां वीडियो के नीचे इधर कोने में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जैसे एक चिन्ह आ रहा होगा उस पर जैसे टच करोगे, टच करते ही यहाँ पे लिस्ट खोल के सामने आ जाएगी, तो आपको वहाँ पे क्या क्या होगा वहाँ पे किसान भाई के नंबर मिल जाएंगे, साथ ही वहाँ पे हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी, हमारे नंबर मिल जाएंगे, साथ ही वहाँ पे जो अन्य गाड़ियाँ हैं उनका लिंक आपको मिल जाएगा, जैसे महिंद्रा की अन्य DI गाड़ी है, अन्य जितनी भी गाड़ियों का वीडियो मैंने आज तक बनाया है उन सभी का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके अन्य गाड़ियों की वीडियो भी देख सकते हैं।
तो साथियों अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस गाड़ी का जो नंबर है वो कहाँ के हैं। तो इस गाड़ी के जो नंबर है RJ 29 में आपको ये गाड़ी मिलेगी। तो RJ 29 बोले तो राजस्थान 200 के नंबरों में ये गाड़ी आपको मिलेगी। किसान भाई इस गाड़ी की जो कीमत मांग रहे हैं 3,40,000 रुपये इस गाड़ी की कीमत वो मांग रहे हैं, 340 मांग रहे हैं। हो सकता है वो कुछ कम हो जाए, हो सकता है वो कुछ बत्ती हो जाए। तो इसके लिए आपको उनसे खुद से संपर्क करना होगा और उनसे खुद से संपर्क करने के लिए आपको नंबर कहाँ मिलेंगे ये मैंने आपको बताई दिया है। तो साथियों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और अब मैं वीडियो को समाप्ति की ओर लेके जा रहा हूँ। साथियों कल एक और वीडियो में एक और जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान और जय किसान साथियों।